हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुज कुमार और आज हम आपको साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पर साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान रखना, जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें CFPI मैंने आपको बताया था उसका यूज है, तो वो चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है और यहाँ से 100% 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल किसी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन बन जाए और उनके डेरिवेटिव भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कहलाती है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं, इफ टू और मोर डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फंक्शंस ऑफ ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल किसी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन हो, द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग देयर डेरिवेटिव्स और साथ में उनके डेरिवेटिव्स भी उस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है, वही हमारा कहलाता है और कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर, dx/dt + 4y = t और दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी dy/dt + 2x = e^t। तो आप इन दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं, दोनों मिलके ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल t के फंक्शन है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कहलाती है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस में आपको दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन दी होती है ना, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? हमारे आपके सिलेबस में जो है दो इक्वेशंस के लिए है, तो सॉल्व कैसे करते हैं? तो जो आपने हाई स्कूल में दो इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक्स वाई की अगर दो इक्वेशन दी है जैसे कि x + y = 0 और x - 3y = 2, तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड से x और y को फाइंड करते थे, तो सेम आपका यहाँ पर मेथड यूज होगा इन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करने के लिए, जिसको मैं नोट में लिख देता हूँ, द मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, जो इनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मेथड यूज करेंगे, इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जो आपने एलिमिनेशन मेथड एक्स और वाई अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए पढ़ा था, वही मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, एज वी सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशन। जो आपने अलजेब्रिक इक्वेशन को हाई स्कूल में सॉल्व करने के लिए आपने मेथड पढ़ा था, ठीक है, उसी मेथड को हम यहाँ पर यूज करते हैं इन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब कैसे करते हैं उसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1,
एग्जाम्पल वन हमारा है द इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ ए पार्टिकल. किसी पार्टिकल के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन दी हुई है आपको, आर गिवन बाय, जो कुछ इस तरीके से है, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वाई इक्वल टू जीरो एंड डी वाई अपॉन डी टी माइनस ओमेगा एक्स इक्वल टू जीरो. तो इसको आपको देखा जाए तो ये एक्स और वाई टी के फंक्शन यहाँ पर होंगे, तो ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगी. इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, है ना. फाइंड द पाथ, सॉल्व करके पाथ मिलेगा आपको. फाइंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल, तो दोनों को सॉल्व करके हमें पाथ फाइंड करना है, पार्टिकल का सॉल्यूशन फाइंड करना है. एंड शो डैट इट इज ए सर्किल. तो इनको सॉल्व करके जो आपका यहाँ पर पाथ मिलेगा इस मोशन का, वो प्रूव करना है कि वो सर्किल बनाएगा. और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, 2009 में ये 10 नंबर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था वो हम यहाँ पर यूज करते हैं. कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिए. सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप इस तरीके से लिख देंगे, इक्वेशन वन डाल देंगे फर्स्ट वाले को और इक्वेशन टू डाल देंगे सेकेंड वाले को. फिर हमें करना क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैपिटल डी की फॉर्म में लिखेंगे. अगर कैपिटल डी की फॉर्म में आप लिखते हो तो ये आपको मिलेगा डी एक्स प्लस ओमेगा वाई इक्वल टू जीरो, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूँगा, माइनस ओमेगा एक्स, एक्स की टर्म को पहले लिखा, और प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो. ये मैंने लिखा इक्वेशन थ्री, इसको बना दिया, और इक्वेशन फोर इसको बनाया. और यहाँ पर जो डी है वो डी अपॉन डी टी है, ये ध्यान रखना, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है दोनों के लिए टी का काम करेगा. अब एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर एक्स को काटना है, एक्स को एलिमिनेट करना है, तो एक्स के कोफिशेंट को मुझे सेम बनाना पड़ेगा. सेम कैसे बनेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री बाई, इक्वेशन थ्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा से, एंड इक्वेशन फोर बाई कैपिटल डी से. ठीक है, वी गेट, इससे आपको क्या मिलेगा, जब आप ओमेगा से मल्टीप्लाई थ्री में करोगे तो वो मिलेगा आपको ओमेगा डी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, है ना. और नीचे वाली इक्वेशन में जब डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा ये डी एक्स और प्लस डी और डी मिलकर डी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो. अब एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करने पर आपकी ये जो टर्म्स है ये कट जाएगी एक्स वाली, और यहाँ पर एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके मिलेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, और ये हमारी इक्वेशन नंबर फाइव बनेगी. अब ये जो इक्वेशन फाइव हमारी बनी है, इक्वेशन फाइव बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें आप सी एफ पी आई निकालते हैं. तो उसको सॉल्व करेंगे एज यूजुअल, जैसे आपने पहले मेथड पढ़ा है. हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और डी की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी जीरो प्लस माइनस आई ओमेगा. तो कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है, तो यहाँ पर जो सी एफ होगा वो हम लिख देंगे, बट ध्यान में रखना टी की टर्म में लिखना है. यहाँ पर ध्यान में रखना टी की टर्म में हमारा सी एफ लिखा जाएगा, सी वन कोस ओमेगा टी और प्लस सी टू साइन ओमेगा टी. और चूंकि यहाँ पर जो इक्वल का पार्ट है इक्वेशन फाइव में वो जीरो है, तो पी आई की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी. तो जो वाई के लिए सोल्यूशन आपको मिलेगा, देयर फोर वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो आपको मिलेगा y इक्वल टू सी वन कोस ओमेगा टी और प्लस सी टू साइन ओमेगा टी. इक्वेशन नंबर सिक्स डाल देंगे. तो जब y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखते हैं और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं.
तो कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? यदि आप इक्वेशन टू को देखो, इक्वेशन टू में जो हमें x की वैल्यू है फ्रॉम टू, इक्वेशन टू से जो x की वैल्यू आएगी वो हमें मिलेगी 1 अपॉन ओमेगा टी वाई अपॉन डी टी, 1 अपॉन ओमेगा डी वाई अपॉन डी टी। अब डी वाई अपॉन डी टी कैसे निकलेगा? इक्वेशन नंबर 6 से, इक्वेशन 6 का एक t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कर देंगे तो आपको डी वाई अपॉन डी टी मिलेगा c1 ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t और प्लस c2 ओमेगा कॉस ओमेगा t। ओमेगा बाहर लेकर कॉमन कट जाएगा तो x की वैल्यू हमें फाइंड होगी x इक्वल टू c1 साइन ओमेगा t प्लस c2 कोस ओमेगा टी। अभी जो इक्वेशन 6 और 7 आपकी दोनों एक साथ हमारी आई है, यही हमारी जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का काम करेगी टुगेदर, है ना। ये एक्स और वाई की जो वैल्यू हमने निकाली है इक्वेशन 6 और 7 में, दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लिख सकते हैं इक्वेशन 6 एंड 7 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस टुगेदर। दोनों एक साथ अगर लिखे जाते हैं तब ये हमारा जो है एक साथ लिखने पर x और y की जो वैल्यू हमारी आती है सॉल्व करके, तो यही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो मेथड ये बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड है कि एक को एलिमिनेट करके वैल्यू निकाल लो, लेकिन यहाँ पर सी एफ पी आई वाले मेथड से निकलेगी वैल्यू और फिर उसको वैल्यू को पुट कर दो ऊपर तो दूसरी वैल्यू निकल जाती है, और दोनों को एक साथ लिखने पर जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पाथ भी पूछा था मोशन का, तो पाथ कैसे निकलेगा? इक्वेशन 6 और 7 को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट। यदि आप इक्वेशन 6 और 7 को स्क्वायर करके जोड़ते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड से मिलेगा इक्वल टू, देखा जाए तो c1 का स्क्वायर बाहर आएगा और अंदर मिलेगा आपको कोस स्क्वायर ओमेगा t इक्वेशन 6 से और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगा इक्वेशन 7 से। फिर ऐसे ही c2 का स्क्वायर इक्वेशन 6 से मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा t और प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी मिलेगा इक्वेशन 7 से। दोनों की वैल्यू 1 होती है तो आपको मिलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। सी वन सी टू कॉन्स्टेंट है, इसको हम कोई नया नाम रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखा जाए तो यहाँ पर पाथ जो है, यहाँ पर जो पाथ हमारा आया है वो एक सर्किल की इक्वेशन है। कहीं की इक्वेशन है वो हमारी, ये वो एक सर्किल की इक्वेशन है। लिख दीजिए हैंस देयर फोर द पाथ ऑफ द मोशन, यहाँ पर जो पाथ आया है मोशन का इज ए सर्किल, वो हमारा एक सर्किल बनाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल वन था। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें एक दो एग्जाम्पल्स और करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना 10 नंबर का क्वेश्चन आता जरूर है। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू है हमारा सॉल्व, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन दी है डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है आपको डी वाई अपॉन डी टी प्लस एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, और आपको कंडीशन भी दी है इस बार, है ना। कंडीशन कैसी दी है कि एक्स जीरो जो है और वाई जीरो जो है उन दोनों की वैल्यू 1 है, मतलब t बराबर 0 पर x की वैल्यू 1 है और t बराबर 0 पर y की वैल्यू भी 1 है। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में 2015 में आया था, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है ना। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे हम एज यूजुअल, जैसे हमने मेथड बताया एलिमिनेशन मेथड वही यूज होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको लिख लेंगे, dx अपॉन dt
प्लस एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर वन बन जाएगी, और डी वाई अपॉन डी टी प्लस एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू बन जाएगी। फिर इनको हम कैपिटल डी की फॉर्म में लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज कैपिटल डी की फॉर्म में कैसे लिखे जाएंगे ये हमारे, इस टर्म और इस टर्म को हम देखा जाए तो x कॉमन आएगा और ये बन जाएगा d प्लस वन इंटू एक्स और माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। फिर जो नीचे वाली टर्म्स है उसमें dy वाई अपॉन डी टी और 4y में 4 कॉमन आ जाएगा, है ना, और ये बनेगा आपका d प्लस फोर, सॉरी y कॉमन आएगा d प्लस फोर वाई, और जो x की टर्म है उसको मैं पहले लिख देता हूँ इक्वल टू जीरो, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन तीन और ये बन जाएगी चार। ठीक है, एक्स की टर्म को मैंने पहले लिख दिया और डी प्लस फोर वाई की टर्म को मैंने बाद में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब किसी एक को एलिमिनेट करना है, या तो आप एक्स को एलिमिनेट कीजिए या आप वाई को एलिमिनेट कीजिए, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वाई को एलिमिनेट कर देता हूँ, या एक्स को एलिमिनेट, किसी को भी कर सकते हैं एज यू विश। तो यदि आप यहाँ पर वाई को एलिमिनेट करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री बाई वाई के कोफिशेंट को सेम बनाने के लिए वहाँ पर डी प्लस फोर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वेशन थ्री में, एंड फोर बाई फोर को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एडिंग, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो वाई की टर्म जो है कट जाएगी और आपको एक्स की टर्म मिलेगी। वी गेट, इससे आपको मिलेगा डी प्लस फोर की मल्टीप्लाई की है इक्वेशन थ्री में, तो डी प्लस वन डी प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू डी प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो इक्वेशन थ्री से मिलेगा, और इक्वेशन फोर में मल्टीप्लाई करनी है टू से, तो ये टू एक्स और प्लस टू इंटू डी प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, और जब आप इनको ऐड करेंगे प्लस प्लस ऐड करेंगे तो ये टर्म्स आपकी कट जाएगी वाई वाली, यानी कि वाई एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी डी प्लस वन डी प्लस फोर एंड प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे पहले थोड़ा सा, तो ये मिलेगा आपको डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर प्लस टू इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो, और ये बन गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशेंट। इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, फैक्टर करेंगे डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी सॉरी थ्री इंटू टू आएगा, तो ये मिलेगा आपको थ्री डी प्लस टू डी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आप डी कॉमन ले लेते हैं तो डी प्लस थ्री मिलेगा, यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं तो डी प्लस थ्री मिलेगा इक्वल टू जीरो, तो फैक्टर हमें मिलेंगे डी प्लस टू डी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो d की दो वैल्यू सेम आएगी माइनस टू माइनस थ्री, तो cf हमारा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना cf को हम t की टर्म में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो ये आपको मिलेगा c1 e की पावर माइनस टू टी प्लस c2 e की पावर माइनस थ्री टी, और चूंकि इक्वल का पार्ट जीरो है, इक्वेशन नंबर जो आपने ये फाइव बनाई है इस फाइव इक्वेशन में इक्वल का पार्ट जीरो है, तो पी आई की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, है ना। तो एक्स के लिए सॉल्यूशन हमने निकाला है क्योंकि वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, देख सकते हैं आप एक्स की वैल्यू निकलेगी, तो जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा हैंस या दस देयर फोर एक्स इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, या एक्स यहाँ पर किसका फंक्शन बनेगा टी का, तो एक्स टी इक्वल टू c1 e की पावर माइनस टू टी प्लस c2 e की पावर माइनस थ्री टी, है ना, और पी आई जीरो है तो ये इक्वेशन नंबर सिक्स बन जाएगा, जो कि हमारा एक सॉल्यूशन हमें मिल गया।
अब एक्स टी को यूज करेंगे, इक्वेशन सिक्स को हम यूज करेंगे और ऊपर हम इक्वेशन सेवन में रखेंगे, सॉरी इक्वेशन जो हमारी एक्स हमने निकाला है तो इक्वेशन वन में यूज करेंगे। इक्वेशन वन से जो हमें मिलेगा वो पहले लिख देते हैं। इक्वेशन वन से मिलेगा आपको टू वाई की वैल्यू, टू वाई की वैल्यू आएगी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स फ्रॉम वन। टू वाई की वैल्यू आएगी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स टू वाई की वैल्यू आएगी। और डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है, टी के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन है ना। तो टू वाई तो लेफ्ट साइड में रहेगा, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल दो आप, यानी कि टी के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि सी वन ई की पावर माइनस टू टी और सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी, और एक्स की वैल्यू भी रख देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या मतलब एक्स टी हो जाएगा आपका सी वन ई की पावर माइनस टू टी सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी। तो टू वाई इज इक्वल टू टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस टू सी वन ई की पावर माइनस टू टी माइनस थ्री सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी और प्लस सी वन ई की पावर माइनस टू टी माइनस सॉरी प्लस सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी। इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, टू वाई इज इक्वल टू कॉमन यहाँ पर आएगा हमारा e की पावर माइनस टू टी कॉमन ले लेते हैं, है ना, या इनको तो सॉल्व हो जाएगा सिंपली। इस टर्म को इस टर्म के साथ सॉल्व करते हैं तो माइनस के सी वन ई की पावर माइनस टू टी बनेगा, और सी टू वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो माइनस टू ई की पावर सॉरी माइनस टू सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी बनेगा। तो इससे आपको वाई की वैल्यू जो मिलेगी, जिसको आप वाई टी भी लिख सकते हो, वो मिलेगी माइनस सी वन अपॉन टू ई की पावर माइनस टू टी और माइनस सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी। ये हमारी इक्वेशन सेवन आएगी जो कि आपने वाई की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो दिस इज अवर वाई, ओके। तो इक्वेशन सिक्स और सेवन जो हमने सॉल्व करके निकाला है, यही हमारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमें दिया है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कंडीशन भी यहाँ पर दी थी, और जब कंडीशन दी होती है तो हमें समझो कॉन्स्टेंट निकालने हैं। कंडीशन आपको दी थी गिवन, आपको दिया था कि टी बराबर जीरो पर एक्स जीरो की वैल्यू वन है और टी बराबर जीरो पर वाई जीरो की वैल्यू भी वन है, ये हमें कंडीशन गिवन थी। तो इक्वेशन सिक्स में और इक्वेशन सेवन में हम टी को जीरो रखेंगे और देखते हैं क्या मिलेगा, और इन कंडीशन को यूज करेंगे। पुट टी इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन सिक्स एंड यूज एक्स जीरो इक्वल टू वन वी गेट। यदि आप ऐसा करते हैं तो इधर लेफ्ट साइड से वन मिलेगा और e की पावर जीरो वन e की पावर जीरो वन, तो वन इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, एक इक्वेशन मिल जाएगी हमें सी वन प्लस सी टू इक्वल टू वन, जिसको मैं इक्वेशन एट डाल दूंगा। और जो ये वाई टी वाली इक्वेशन है इससे भी हम पुट कर देंगे इसमें t को जीरो इन इक्वेशन सेवन एंड यूज वाई जीरो इक्वल टू वन वी गेट। इसमें भी यदि आप t को जीरो रखते हो तो e की पावर जीरो वन मिलेगा, और यहाँ से सॉल्व करके मिलेगा माइनस सी वन अपॉन टू माइनस सी टू और इक्वल टू में वन, इक्वेशन नंबर इसको हम नाइन डाल देंगे। अब हमें एट और नाइन को सॉल्व करना है, और एट नाइन को सॉल्व करके हमें सी वन सी टू की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सी वन प्लस सी टू इक्वल टू वन, कंडीशन देख लेते हैं एक बार, एक्स जीरो की वैल्यू वन और वाई जीरो की वैल्यू भी वन, तो ये वैल्यू यूज करेंगे तो हमें सी वन प्लस सी टू इक्वल टू वन वहाँ से मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस सी वन और माइनस टू सी टू। यस, yes।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 8 और 9 को दोनों को सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग 8 एंड 9 वी गेट 8 और 9 को यदि आप सॉल्व करते हैं तो दोनों को ऐड करने पर ये आपको मिलेगा C1 - C1/2 = 2, है ना। और इसका मतलब होगा आपका C1/2 = 2, तो C1 की वैल्यू हमें मिलेगी 4। जब C1 की वैल्यू 4 आप ऊपर रखेंगे तो आपको C2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1 - 4 यानी कि -3। तो C1 C2 को इक्वेशन 6 और 7 में रख देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा यूजिंग इन इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट। यदि आप 6 7 में इनको रखते हैं तो एक्स टी की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी, C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू रखने पर वो आपको मिलेगा 4e - 2t और -3e - 3t। ऐसे ही जो yt हमारा होगा वो हमें मिलेगा C1 की वैल्यू 4 रखने पर -2e - 2t और C2 की वैल्यू -3 रखने पर +3 हो जाएगा +3e - 3t। तो ये जो हमने फाइनली सॉल्व करके निकाला है यही हमारे उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस वैल्यू को पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर कंडीशन दी है तो समझो आपको उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसमें कॉन्स्टेंट भी निकालने पड़ेंगे जैसे मैंने निकाले हैं। और कॉन्स्टेंट को निकालने के बाद यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, अभी तक तो मैंने वो क्वेश्चंस आपको कराए जिसमें इक्वल में आपको जीरो दिया है। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस कराता हूँ जिसमें हमें इक्वल में कुछ ना कुछ दिया होगा, यानी कि वहाँ पर हमें PIB निकालना पड़ेगा। वहाँ पर क्या होगा, हमें PIB निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्वेश्चन देखिए आप, Example 3। Example 3 में हमें सॉल्व करना है dx/dt + 5x - 2y = t और dy/dt + 2x + y = 0। ठीक है, और गिवन डैट ये भी आपको कंडीशन भी दी है, यानी कि हमें यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी निकालने हैं। गिवन डैट x = y = 0 दिया है when t = 0, इसका मतलब आपको कॉन्स्टेंट भी निकालने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में एक बार आया है 10 नंबर में। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है तो 2 नंबर में तो कमी आते हैं, ज़्यादातर ये 10 नंबर में ही आते हैं। अब सॉल्यूशन मेथड बहुत ईजी है, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था वो मेथड है, बस CFPI निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उनको हम लिख लेंगे। गिवन है आपको dx/dt + 5x - 2y = t, जिसको मैं इक्वेशन 1 डालूँगा, dy/dt + 2x + y = 0, जिसको मैं इक्वेशन 2 डाल दूँगा। एंड जो कंडीशन दी है वो भी लिख देता हूँ, x 0 की वैल्यू और y 0 की वैल्यू दोनों हमें 0 दी है t = 0 पर, ये भी मैंने साइड में लिख दिया। अब इनको सॉल्व करने के लिए वही एलिमिनेट मेथड करना है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं y को एलिमिनेट कर देता हूँ। पहले हम इसको लिख देंगे ऊपर वाली इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 है, d + 5x - 2y = t बनेगा। और जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें 2x को पहले लिख देते हैं और d + 1y = 0 बनेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 डालते हैं और इसको इक्वेशन 4 डालते हैं। अब y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई d + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, एंड 4 बाई 2। इक्वेशन 3 में d+1 से मल्टीप्लाई होगी और 4 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे,
एंड देन एडिंग, और फिर उसके बाद हम उसको जोड़ देंगे तो वाई हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, वी गेट। ऐसा करने पे आपको मिलेगा डी प्लस वन डी प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस टू डी प्लस वन डी प्लस वन वाई इक्वल टू डी प्लस वन टी। ओके, क्योंकि टी है तो डी प्लस वन वहाँ पे भी ऑपरेट होगा, यानी कि टी का हम डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, और ये मिलेगा आपको फोर एक्स प्लस टू डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर प्लस प्लस प्लस, तो ये टर्म कट जाएगी हमारी, और इधर से मिलेगा आपको डी प्लस वन डी प्लस फाइव प्लस फोर और इनटू में एक्स इज इक्वल टू डी प्लस वन टी मिलेगा। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड को डी प्लस वन डी प्लस फाइव की मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके आपको मिलेगा डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस नाइन एक्स इज इक्वल टू, इधर होगा आपका डी टी और प्लस टी, डी टी का मतलब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो कि वन आएगा और प्लस टी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फाइव बनेगी, जो कि हमारा पिछले चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है, सी एफ और पी आई निकालने वाला। बस ध्यान रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एक्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर टी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब होता है डी प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब होता है डी की वैल्यू माइनस थ्री माइनस थ्री। तो सी एफ हमारा निकल जाएगा सी वन प्लस सी टू टी ई की पावर माइनस थ्री टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर टी है। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन फाइव के लिए पी आई, क्योंकि इक्वल में भी इस बार कुछ है हमारा, तो पी आई भी निकलेगा। पी आई निकालने के लिए वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस नाइन और वन प्लस टी लिखा। अभी वन प्लस टी तो टी में एक पॉलिनोमियल है, तो एक्सपेंशन मेथड लगाना पड़ेगा। एक्सपेंशन मेथड कैसे लगेगा, पहले मैं इसको लिख देता हूँ डी प्लस थ्री का स्क्वायर वन प्लस टी। अब एक्सपेंशन मेथड बनाने लगाने के लिए हमें यहाँ पर थ्री कॉमन लेना पड़ेगा, स्क्वायर की वजह से बाहर नाइन आएगा, और ये हो जाएगा वन प्लस डी अपॉन थ्री की पावर ऊपर जाके माइनस टू, ऊपर जाके माइनस टू पावर बनेगी इसकी। अब इसमें एक्सपेंशन करेंगे वन प्लस जेड की पावर माइनस टू की फॉर्म में, है ना, जो होता है हमारा वन माइनस जेड सॉरी वन माइनस टू जेड प्लस थ्री जेड स्क्वायर, लेकिन जेड स्क्वायर का मतलब यहाँ पर डी स्क्वायर होगा, और डी स्क्वायर का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, और दो बार डिफरेंशिएशन वन प्लस टी का जीरो हो जाएगा, तो बाकी सारे टर्म जीरो आएगी, इसलिए मैं उनको नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब हम इसमें वन प्लस टी को अंदर लेके जाएंगे वन अपॉन नाइन, और ये हो जाएगा वन प्लस टी माइनस टू अपॉन थ्री, डी का मतलब डिफरेंशिएशन वन प्लस टी का एक बार, जो कि वन आएगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, और इसको भी यदि आप सॉल्व करते तो वन अपॉन नाइन बाहर रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा टी और प्लस वन अपॉन थ्री। लास्ट में सी एफ और पी आई को सॉल्व करेंगे तो एक्स के लिए सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यहाँ पर एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, देयर फोर एक्स इक्वल टू होगा सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सी एफ की वैल्यू हमने निकाली है एक्स टी इक्वल टू, सी एफ की वैल्यू निकाली थी ऊपर सी वन प्लस सी टू टी ई की पावर माइनस थ्री टी, और पी आई निकाला है वन अपॉन नाइन टी प्लस वन अपॉन थ्री। तो हमारा एक्स टी निकल गया, हमने वाई को एलिमिनेट करके एक्स टी को निकाल दिया। अब एक्स टी को यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर वन में और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर इक्वेशन वन की बात करें तो इक्वेशन वन हमारी है डी एक्स अपॉन डी टी प्लस फाइव एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टी। यहाँ पर लिख देता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी माइनस फाइव एक्स और प्लस टू वाई इक्वल टू टी। एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस फाइव एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टी प्लस फाइव एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टी।
तो यदि आपको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर जो है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 6 बनेगी, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ फ्रॉम 6, इसका यूज होगा डिफरेंशिएशन का, dx अपॉन dt आएगा। और जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले हमें फर्स्ट टर्म का बाई पार्ट करना पड़ेगा, और बाई पार्ट कैसे करेंगे, हम एक टर्म को एज इट इज, एक को कॉन्स्टेंट मान के, सॉरी एक को एज इट इज, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे उस तरीके से, है ना। तो C1 प्लस C2t को एज इट इज e की पावर माइनस 3t का माइनस 3 e की पावर माइनस 3t, और प्लस C1 प्लस C2 का C1 प्लस C2t का डिफरेंशिएशन जो कि 0 प्लस C2 आएगा, और e की पावर माइनस 3t को एज इट इज, और प्लस 1/9 बार है और t प्लस 1/3 का 1 आ जाएगा, जो कि आपको ये वैल्यू देगा। इक्वेशन 7 डाल देता हूँ। अब इक्वेशन 6 और 7 को 1 में यूज करूँगा, यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 7 इन 1। यदि आप इसको 6 और 7 इक्वेशन को 1 में यूज करोगे तो वी गेट, पहले मैं इक्वेशन 1 से 2y निकाल लेता हूँ, जो आएगा dx अपॉन dt प्लस 5x माइनस t। तो यहाँ पर x की और dx अपॉन dt की दोनों वैल्यू रख देता हूँ। दोनों वैल्यू रखने पर हमें फाइनली y मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा 2y = dx अपॉन dt की वैल्यू है हमारी C1 प्लस C2t, और ये माइनस 3 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, e की पावर माइनस 3t प्लस C2 e की पावर माइनस 3t और प्लस 1/9 एंड प्लस 5x, यानी कि x में 5 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। यदि आप x में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 C1 प्लस C2t e की पावर माइनस 3t और प्लस 5/9 t प्लस 1/3, और फिर माइनस t भी है तो ये माइनस t। अब इसमें हमें सॉल्व करके सिंपली सभी टर्म्स C1 C2 के टर्म्स को सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करके आपको मिलेगा 2y = देखा जाए तो ये माइनस 3 की टर्म है, ये प्लस 5 की है, तो 2C1 प्लस C2t e की पावर माइनस 3t बन जाएगा, और प्लस C2 e की पावर माइनस 3t आपका है, और ये मिलेगा आपको प्लस कॉन्स्टेंट टर्म को इकट्ठा करना है अब हमें, है ना। तो कॉन्स्टेंट टर्म में देखा जाए तो 5/90 और माइनस टी ये बनेगा, जिसको सॉल्व करके मिलेगा आपको माइनस के 4/90, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 4/90, और फिर हमें कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगी 1/9 और प्लस 5/27। 27 और 9 का जब एलसीएम लेओगे तो आपको 27 मिलेगा, है ना। तो ये आपको मिलेगा 8/27 प्लस के, ठीक है। तो ये हमारी जो है सॉल्व करके वैल्यू आएगी 2y की, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए y की, तो 2 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और यदि आप 2 से इसको डिवाइड करते हो तो yt जो आपका फंक्शन है वो मिल जाएगा C1 प्लस C2t e की पावर माइनस 3t, है ना, प्लस C2/2 e की पावर माइनस 3t और माइनस 2/90 और प्लस 4/27। लो जी, हमें फाइनली y2 भी मिल गया, जो कि इक्वेशन नंबर हमारी 8 हो जाएगी। अब चूंकि आपको यहाँ पर कंडीशन भी दी है, तो 6 और 8 इक्वेशन में x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 0 यूज करेंगे। इट मीन्स t को 0 रखना पड़ेगा 6 में भी और 8 में भी, और C1 C2 निकालने पड़ेंगे। तो पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6 एंड यूज x0 = 0, और x0 की वैल्यू को 0 यूज कर देंगे, वी गेट, इससे हमें क्या मिलेगा। जब आप वहां पर t को 0 रखोगे तो लेफ्ट साइड से तो 0 मिलेगा x0 की वैल्यू, और 0 रखने पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा C1 प्लस C2 0, तो C1 और e की पावर 0 C1 मिलेगा वहां से, C1 प्लस 1/27, है ना, C1 प्लस 1/27, तो इसका मतलब C1 की वैल्यू आएगी माइनस 1/27।
फिर ऐसे ही जब आप इक्वेशन 8 में टी को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 8 एंड यूज वाई 0 = 0, तो उससे आपको मिलेगा वी गेट टी को 0 रख देंगे, वाई 0 रख देंगे तो 0 = एक तो C1 आएगा प्लस C2/2 आएगा और लास्ट में आपको 4/27 मिलेगा। यहाँ पे C1 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। C1 की वैल्यू हमारी क्या है, C2/2 -C1 -4/27 = ये आपको मिलेगा C1 की वैल्यू रखने पर प्लस और -4/27 यानी कि -3/27, इट मींस -1/9। और जब C2 निकलेगा तो C2 की वैल्यू आएगी -2/9। तो C1 C2 की वैल्यू हम इक्वेशन 6 और 8 में रख देंगे, यू विल गेट फाइनल आंसर यूजिंग इन इक्वेशन 6 and 8। वी गेट, यदि 6 और 8 में ये वैल्यूज़ आप रखते हो तो वहाँ से आपको XT मिलेगा, ठीक है। C1 की वैल्यू -1/27, C2 की वैल्यू -2/9 और इंटू में t e^-3t +1/9 t + 1/3 6 से मिलेगा, 8 से हमें yt की वैल्यू मिलेगी और yt की वैल्यू आएगी -1/27 और -2/9 t e^-3t -1/9 e^-3t और -2/9 t और +4/27। तो अगर आपको कंडीशन दी है तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद फिर आपको उसमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी निकालनी होती है, जैसे कि मैंने आपको निकाल के बताई, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने इसके कराए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस के होते हैं लेकिन है बहुत ईजी, कंसेप्ट बहुत ईजी होता है ना। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर 4। बाकी क्वेश्चंस जो असाइनमेंट में आपको दे रखे हैं होम असाइनमेंट में नोट्स में, वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है सॉल्व d2x/dt² + y = sin t एंड दूसरी इक्वेशन यहाँ पर दी है d2y/dt² + x = cos t, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा AKTU 16 में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो गिवन है सबसे पहले वो लिखा जाएगा d2x/dt² + y = sin t और d2y/dt² + x = cos t। तो ये हमें गिवन है जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना दी। फिर इसको हम d की फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल d की फॉर्म में, तो ये आपको मिलेगा d²x + y = sin t, इक्वेशन 3 बन जाएगी, और x + d²y = cos t, इक्वेशन 4 बन जाएगी, ये हमें मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर जो है y को एलिमिनेट करना है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई d² से। वी गेट, इससे आपको क्या मिलेगा, d²x + d²y = d²sin t मिल जाएगा। और जो इक्वेशन 4 है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x + d²y = cos t। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस माइनस माइनस, ऐसा करने पर ये टर्म दोनों कट जाएगी और y एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा d²-1x = d²sin t और -cos t। d² का मतलब है sin t का 2 बार डिफरेंशिएशन, तो इससे आपको मिलेगा d²-1x = साइन टी का 1 बार करेंगे कोस टी, और कोस टी का दोबारा करेंगे -sin t, तो ये -sin t और -cos t बनेगा। इक्वेशन 5 डाल देते हैं। अब इस ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद
कॉन्स्टेंट कोफिशेंट, इसमें सी एफ पी आई निकाल के एक्स की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले फाइंड करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी की पावर 4 माइनस 10, और इसका मतलब है डी स्क्वायर माइनस 1 और डी स्क्वायर प्लस 10। तो डी की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर क्या आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी और 0 प्लस माइनस आई आएगी। तो दो रूट हमारे रियल और अनइक्वल है, तो सी एफ उसके लिए लिखा जाएगा सी वन ई की पावर माइनस टी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं सी वन ई की पावर टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस टी। कॉम्प्लेक्स रूट के लिए होगा ई की पावर 0 टी यानी कि 1, सी थ्री कोस टी और प्लस सी फोर साइन टी। तो ये हमारा सी एफ हो जाएगा इसके लिए। अब हम फाइंड करेंगे इसके लिए पी आई, और अगर आप पी आई की बात करें तो 1 अपॉन डी की पावर 4 माइनस 1 रखा, और ये आपको दिया है इक्वल में माइनस साइन टी और माइनस कोस टी। तो मेथड नंबर सेकंड यहाँ पर पी आई को निकालने का लगेगा, है ना। जो ये होता है कि पहले तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, डी की पावर 4 माइनस 1 साइन टी और माइनस डी की पावर 4 माइनस 1 कोस टी। मेथड सेकंड ये होता है कि डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रखेंगे। लेकिन जब डी स्क्वायर को माइनस 1 रखते हैं तो ये हमारा 0 बन जाएगा, और जब 0 बन जाता है तो मेथड फेल होता है। और मेथड जब फेल होता है तो हम क्या करते हैं, टी से मल्टीप्लाई, वहाँ पर एक्स से करते थे, यहाँ पर टी चल रहा है एक्स की जगह पर, तो टी से मल्टीप्लाई और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डी की पावर फोर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 4 डी की पावर 3 और ये इंटू में साइन टी माइनस, ऐसे ही टी से मल्टीप्लाई और डी की पावर 4 का 4 डी की पावर 3 और 1 का 0 कोस टी। फिर यहाँ पर हम डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रख देंगे, तो 1 अपॉन, ये आपको डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रखने पर माइनस डी बचेगा और साइन टी और माइनस टी, डी स्क्वायर को माइनस 1 रखने पर माइनस 4 डी कोस टी बचेगा। और 1 अपॉन डी का मतलब आप जानते हैं इंटीग्रेशन होता है, तो टी अपॉन 4 पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, और 1 अपॉन डी का मतलब साइन टी का इंटीग्रेशन। ऐसे ही टी अपॉन 4 बाहर हो जाएगा और 1 अपॉन डी का मतलब कोस टी का इंटीग्रेशन। तो साइन टी का जो इंटीग्रेशन हमारा होता है वो होता है माइनस कोस टी, तो टी अपॉन 4 और ये आपका इंटू में कोस टी, और कोस टी का होता है साइन टी। तो ये हमारा फाइनली पी आई निकल जाएगा। देयरफोर जो हमने वैल्यू निकालनी थी एक्स की निकालनी थी, एक्स यहाँ पर होगा सी एफ प्लस पी आई, है ना। और दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू हमारा बनेगा, सी एफ हमने निकाला था ऊपर सी वन ई की पावर टी, सी टू ई की पावर माइनस टी एंड प्लस सी थ्री कोस टी प्लस सी फोर साइन टी, सी फोर साइन टी, और पी आई हमने निकाला है टी अपॉन 4 कोस टी प्लस टी अपॉन 4 साइन टी। इक्वेशन नंबर हमारी ये 6 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब हम इस इक्वेशन 6 को इक्वेशन 1 में यूज करेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई की वैल्यू आएगी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू साइन टी, सॉरी माइनस साइन टी हो जाएगा वाई की वैल्यू, हाँ साइन टी माइनस डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आएगा। यानी कि हमें उस फंक्शन का पहले दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और दो बार डिफरेंशिएशन करके फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो दो बार डिफरेंशिएशन देखे कैसे होगा, पहले डिफरेंशिएशन ही मैं करूँगा फ्रॉम सिक्स, वो सिंपल सा है डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, तो सी वन ई की पावर टी का ई की पावर टी, सी टू ई की पावर माइनस टी का ई की पावर माइनस टी, और सी थ्री कोस टी का सी थ्री साइन टी और सी फोर कोस टी, सिंपल डिफरेंशिएशन है। और यह आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन 4 बाहर रखो, टी कोस टी को बाई पार्ट कर दो। बाई पार्ट कैसे होगा, टी को एज इट इज कोस टी का माइनस साइन टी और कोस टी को एज इट इज टी का 1, ऐसे ही प्लस 1 अपॉन 4 को बाहर रखो, टी साइन टी का कर दो, टी को एज इट इज साइन टी का कोस टी और साइन टी को एज इट इज टी का 1, ये हमें मिल जाएगा। ओके,
अब इसका दोबारा हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू सी वन ई की पावर टी प्लस सी टू ई की पावर टी और ये आपका माइनस सी थ्री कोस टी हो जाएगा साइन टी का, है ना, और माइनस सी फोर साइन टी हो जाएगा। और इसको भी हम बाई पार्ट करेंगे। बाई पार्ट कैसे होगा, ये टी साइन टी वाली जो टर्म है माइनस माइनस से प्लस वन अपॉन फोर देगी, वो टी साइन टी का कर देंगे डिफरेंशिएशन। टी साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी को एज टी साइन टी का कोस टी और साइन टी को एज टी टी का वन, फिर माइनस वन अपॉन फोर कोस टी का करना है, कोस टी का होता है माइनस साइन टी, तो प्लस के वन अपॉन फोर साइन टी हमारा वो बनेगा। फिर लास्ट टर्म का हम करते हैं वन अपॉन फोर बाहर रहेगा, टी कोस टी का होगा टी इंटू में माइनस साइन टी और प्लस कोस टी, और ऐसे ही प्लस वन अपॉन फोर साइन टी का होगा कोस टी, ठीक है। तो ये हमारा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन ई की पावर टी सी टू ई की पावर माइनस टी माइनस सी थ्री कोस टी और माइनस सी फोर साइन टी, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है, प्लस वन अपॉन फोर टी कोस टी, है ना, प्लस वन अपॉन टू साइन टी माइनस टी अपॉन फोर साइन टी और प्लस वन अपॉन टू कोस टी। इक्वेशन नंबर सेवन इसको डाल देंगे, ठीक है। अब सेवन डालने के बाद हम वाई इसको इक्वेशन वन में यूज कर देंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा एंड डेट विल बी यूजिंग इक्वेशन सेवन इन वन। वी गेट, यदि सेवन को हम वन में यूज करते हैं तो उससे आपको मिलेगा वाई इक्वल टू साइन टी माइनस डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। तो वहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो फाइनली वाई आपको मिलेगा, है ना, ये आपको फाइनली वाई मिलेगा सी वन ई की पावर टी विद नेगेटिव साइन माइनस सी टू ई की पावर माइनस टी और माइनस सी थ्री प्लस हो जाएगा माइनस से कोस टी और प्लस सी फोर साइन टी, ओके, और प्लस टी अपॉन फोर साइन टी माइनस कोस टी और प्लस वन अपॉन टू साइन टी माइनस कोस टी। तो ये इक्वेशन एट जो है हमारी वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो लास्ट में जो हमने इक्वेशन नंबर सिक्स और एट लिखी है यही फाइनल आंसर होगा। हेंस इक्वेशन सिक्स एंड एट टुगेदर आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। तो ये होती है भाई हमारी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। अगर आपको CFPA अच्छे से आता है, और मैंने आपको चार क्वेश्चन करके दिखाया है यहाँ पे, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता जरूर है। अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वाई को एलिमिनेट करके एक्स निकाल दो और फिर एक्स को एलिमिनेट करके वाई निकाल दो सेम मेथड से। अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है लास्ट में कैलकुलेशन में तो उसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, है ना, जिसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। नोट्स में सॉल्यूशन भेजूंगा उस तरह के क्वेश्चन का जिसमें हम वाई को एलिमिनेट करके पहले एक्स निकालेंगे और फिर एक्स को एलिमिनेट करके वाई निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू तो वो भी सही आती है हमारी बाय द एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें हम ये फंडा यूज करते हैं। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।